चलिए आज के इस वीडियो के अंदर जो है हम जानेंगे कि सिक्स स्टेप्स जो हैं टू हैंडल एनी एसईओ प्रोजेक्ट, यानी कि अगर आप एक डिजिटल मार्केटर हैं और उसके अंदर एसईओ में काम करते हैं तो जब आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है तो ऐसे कौन से छह स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के एंड तक। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि हमारा जो है 5 मार्च से स्टार्ट होने वाला है वेब डेवलपमेंट। अगर आप भी जो है अपना करियर वेब डेवलपमेंट के अंदर लेके जाना चाहते हैं तो जल्दी से स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके सारी डिटेल की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं 6 ऐसे स्टेप्स कि एक एसईओ को जब भी एसईओ एक्सपर्ट को जब भी कोई एक नया प्रोजेक्ट मिलता है तो उसपे क्या क्या टास्क करने होते हैं। पहला, जब कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो उसमें पहला जो स्टेप होता है टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि वो बिजनेस किस तरह का है। अगर हमें उस बिजनेस के नेचर के बारे में नहीं पता होगा तो डेफिनेटली हम उस पर एसईओ कैसे कर पाएंगे, राइट? तो इसलिए उस बिजनेस का नेचर जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर सेकंड जो है वो आता है आपका वेबसाइट स्ट्रक्चरिंग, यानी कि जो ऑलरेडी आपकी वेबसाइट है उन क्लाइंट की, क्या वो एसईओ के हिसाब से परफेक्ट बनी है या हमें उसके अंदर जो है कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट है। कई बार होता है कि हम क्लाइंट, क्योंकि प्रोजेक्ट लेना था तो क्लाइंट की हां में हां मिला देते हैं कि आपकी वेबसाइट नहीं सर चल जाएगी। नहीं चलेगी भाई, अगर ऐसे में आपको एसईओ करना है तो डेफिनेटली नहीं चलने वाली। तो एसईओ के जो गाइडलाइंस हैं तो उसके अकॉर्डिंग वेबसाइट का जो है स्ट्रक्चर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल, जो क्लाइंट है उनकी वेबसाइट में आपका डिजिटल सर्टिफिकेट यानी कि एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल्ड नहीं है, तो ऐसे में जो वेबसाइट है वो HTTP पे ओपन हो रही है, जबकि एसईओ कहता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो HTTPS पे जो है ओपन होनी चाहिए। अगर आप उस वेबसाइट को ऐसे ही कंसीडर कर ले तो आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप कितनी भी मेहनत कर लो वो प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। तीसरा जो है वो आपका है कीवर्ड रिसर्च। अब आपको जो है उसके लिए कीवर्ड रिसर्च करने हैं कि कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आपके इस क्लाइंट के बिजनेस को जो है टॉप पे लाया जा सकता है। जब कीवर्ड रिसर्च हो जाएगी उसके बाद में जो आपने कीवर्ड डिसाइड करे हैं, फिर आपका जो है फोर्थ पॉइंट आता है एनालाइज द कंपटीटर, यानी कि वो जो कीवर्ड्स आपने रिसर्च करे ऐसे कौन से कंपटीटर्स हैं जिनकी वेबसाइट पे सेम कीवर्ड में जो है रैंक में आ रही हैं, तो हमें उसको बीट करना है तो वहां पर क्या है और हमारे इसमें क्या नहीं है वो एनालाइज जो है हमने करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने उस पर काम करना है। फिफ्थ आता है आपका ऑन पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ, यानी कि जो आपका अब आपने जो कंपटीटर एनालाइज किया है, जो आपने कीवर्ड रिसर्च करे हैं, अकॉर्डिंगली आपने जो भी चेंजेस करने हैं या कीवर्ड की जो स्टफिंग करनी है वो हम ऑन पेज पे करेंगे, और साथ ही साथ टेक्निकल एसईओ पे फोकस करना बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। चाहे आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिख लो, कितना भी अच्छे कीवर्ड का इस्तेमाल कर लो, लेकिन अगर आपका टेक्निकल जो एसईओ है वो प्रॉपर नहीं है तो ऐसे में भी जो है एसईओ के ऊपर में काम करने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसके बाद में आता है सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है आपका ऑफ पेज एसईओ, एंड उसके बाद में जो भी आपकी रैंकिंग आएगी उसको एनालाइज करना है, मॉनिटर करना है और फिर उसको जो है रैंकिंग टॉप रैंक के ऊपर में मेंटेन करने के लिए काम करना है। तो कोई ऐसे कीवर्ड्स हैं जिस पे आपका जो है रैंक नहीं बन पा रहा तो उसमें कीवर्ड को चेंजेस करें। तो ये ऐसे 6 स्टेप्स हैं जो कि हर एसईओ एक्सपर्ट को जो है फॉलो करने पड़ते हैं, और आप भी अगर आप अपना करियर जो है एसईओ की तरफ में लेके आ रहे हैं तो ये 6 स्टेप आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप किसी भी क्लाइंट का प्रोजेक्ट एसईओ के लिए हैंडल करने के लिए लेते हो। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो जो है आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और इस तरह की और वीडियो देखने के लिए जो है अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।